चुनाव ड्यूटी के लिए डीडीएमएस में ई इलेक्शन के फीचर का रिप्लेसमेंट कर हर बूथ को जियो ट्रैक लोकेशन से सुसज्जित किया गया है, जिसके कारण गड़बड़ी या किसी प्रकार की समस्या होने पर इसकी तुरंत जानकारी संबंधित अधिकारियों को मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। जिसके संबंध में एसपीसीटी सोनम कुमार ने बताया कि डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम को पहले चलाया गया था, इसमें ई इलेक्शन फीचर का रिप्लेसमेंट किया गया है और इस फीचर में मोबाइल नंबर ज़रूरी होते हैं। हर बूथ का जियो ट्रैक लोकेशन होता है, जिसमें संबंधित अधिकारियों का मोबाइल नंबर होता है। यदि किसी बूथ पर कोई समस्या आती है तो तत्काल ऐप के जरिए कॉल किया जा सकता है। इससे चुनाव में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त डीडीएमएस से हाजिरी भी लिया जाएगा कि व्यक्ति अपने अपने बूथ पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा और पहुंचा तो कितने बजे पहुंचा। इसकी सारी जानकारी हम लोगों के पास आ जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपीसीटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए हम लोगों ने डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम पहले यहाँ चलाया था, उसमें हम लोगों ने ई इलेक्शन फीचर इम्प्लीमेंट किया है और उस फीचर में जो है जितने भी मोबाइल नंबर ज़रूरी होते हैं, हर बूथ का जियो टैग लोकेशन होता है और संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर होते हैं। यदि किसी बूथ पर कोई समस्या आती है तो तत्काल हम ऐप के जरिए हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ऐप में ही आ जाता है, उस पर क्लिक करने से तुरंत कॉल हो जाता है, तो टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे काफ़ी मदद मिलेगी चुनावों के टाइम पर और आपस में समन्वय भी बनेगा। इसके अतिरिक्त डीडीएमएस में अटेंडेंस भी लिया जाएगा, जो भी व्यक्ति अपने बूथ पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, इसकी सारी जानकारी, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर सब हमारे पास आ जाएगा और हम उससे उसका प्रेजेंस और एब्सेंस भी मार्क करेंगे। तो ये दोनों फीचर हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इस चुनाव में इसके काफ़ी मदद मिलेगी।